हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, जब से कल से आपका बयान आया है योगी जी का, कोई किसी भी भर्ती में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है, हमने सारी भर्ती पारदर्शिता से करी है। उसके बाद में सवाल उठने लगे कि क्या अब UPSI पर भी सवाल का यही सरकार का यही रवैया रहेगा। तो देखो, अगर सरकार का यही रवैया ना हुआ होता तो अब तक इस पर SIT बैठ गई होती। क्योंकि आपको पता है, जब विवेक सर भर्ती बोर्ड गए, तो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से मिले, और जब विवेक सर ने बात रखी SIT की कि हम SIT इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, इस पर एक SIT गठित हो, तो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि बिल्कुल इस पर एक SIT हम गठित करेंगे। और अभी तक भर्ती बोर्ड द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं है, ना ही कोई इसमें SIT बिठाई गई है, ना ही कुछ। बस वही इंटरनल जांच चल रही है, पता नहीं कैसी चल रही है, क्या चल रही है, कुछ नहीं। फिर जब कल बयान आया योगी जी का, तब से सबके मन में ये आ गया कि अब सरकार कुछ नहीं करेगी। तो देखो, ऐसी बात नहीं है कि सरकार को कुछ पता ना हो, सरकार को सब कुछ पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि योगी जी को अब तक नहीं पता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। योगी जी को सब कुछ पता चल गया है। एक बात बताओ, कम से कम 4 बार ट्विटर कैंपेन हो चुके हैं, एक बार आपका SIT पर हो चुका है, कल भी UPSI स्कैम पर एक ट्विटर कैंपेन हुआ, उस पर भी लगभग 6.5 लाख से ज्यादा ट्विट हुए। क्या तब भी सरकार को नहीं पता चला होगा? उसमें हर किसी ने योगी जी को टैग किया, ऑफिस को टैग किया, ठीक है। आप मान के चलो, मैं आपको टैग करूं, मेंशन करूं किसी भी ट्वीट में, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आता है ट्विटर पर, ठीक है ना। ऐसे ही आप फेसबुक पर, अगर आपको कोई टैग करता होगा, आपको फेसबुक पर ट्वीट वो मिलता होगा मेंशन। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, इंस्टाग्राम पर भी अगर कोई आपको टैग करता होगा, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आता होगा। अब एक दिन में एक ही हैशटैग पर लगातार 6.5 लाख से ज्यादा आपके पास में नोटिफिकेशन आ रहे हैं मेंशन के लिए। उससे पहले 2 मिलियन से ज्यादा आपको SIT के लिए टैग किया गया है CM को, और उससे भी पहले क्या नाम, दो तीन ट्विटर कैंपेन और हुए हैं। क्या अब तक योगी जी को पता नहीं होगा? क्या इको गार्डन में जो 21 अप्रैल से बच्चे बैठे, राज्य में क्या चल रहा है? ये बिल्कुल गलत धारणा है आपको। ये बात मानिएगा कि योगी जी को पूरा पता है कि बच्चे किस लिए बैठे हैं, बच्चे किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। और बस बात वही है कि सरकार के द्वारा कुछ भी मतलब करा नहीं जा रहा है इसमें, मतलब SIT को लेकर कुछ नहीं। भाई, हमारी मांगी क्या है? हम कुछ और थोड़ी मांग रहे हैं भाई। आप SIT की जांच बिठा दो, SIT की जांच में जो भी पाया जाता है उसके बाद में कुछ कार्रवाई हो जाएगी। पर अब मुझे नहीं लगता कि भाई योगी जी इसमें, भाई देखो, योगी जी करे या ना करे, पर यह बात साफ है कि योगी जी की जानकारी में ये बात है। आप ये नहीं कह सकते कि CM के जानकारी में ये बात ना हो। सदन में आपके अखिलेश यादव जी, ठीक है जी, ये आपका लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर कोई बयान नहीं है। उस दिन डिप्टी CM के सामने जो है केशव, जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्या जी के सामने ये बात कही, तब भी इसके सामने कोई बयान नहीं आया है। तो अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है इसका, कोर्ट का। जो मुझे लग रहा है कि कोर्ट से ही संभव है, कोर्ट से ही सब कुछ होगा। लखनऊ बेंच पे आपको पता है क्या हो रहा है, अभी रिट उन्होंने नहीं डाली। प्रयागराज बेंच का अगर मैं आपको हाल बता दूं, देखोगे क्या हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही भाई बिल्कुल भी। अगर आपको डेट मिल जा रही है, आपको सुनवाई नहीं मिल रही, मतलब जज उठ जाते हैं, कभी टाइम की कमी होती है, कभी कुछ होता है, मतलब बस क्या ही करें, मतलब समझ नहीं आ रहा बात बिल्कुल भी। चारों तरफ से परेशान है लोग, एक SIT की तो मांग कर रहे हैं बच्चे, पर देखो आपको अब विपक्ष, देखो अब ऐसा है ना, विपक्ष की भूमिका अब ज्यादा बढ़ गई है। पहले लोग कह रहे थे कि इसमें विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट आया तो सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तो अब भी कुछ नहीं कर रही। अब भाई जो भी लोग हो, लगातार अखिलेश यादव को टैग करो, अखिलेश यादव को ट्विटर, अखिलेश यादव हो गए, जयंत चौधरी जी हो गए, ठीक है जी, इन दोनों को टैग करो, दबाकर टैग करो, सदन में बुलवाओ। आपके आप पार्टी के संजय हो गए, तो संजय सिंह जी हो गए, वो आपका संसद में मुद्दा उठाएंगे, ठीक है ना। लगातार क्योंकि चुनाव नजदीक है, ये चीजें आपको इनके जहन में डालनी पड़ेगी। अखिलेश यादव जी के पास में जाइए और उनको आश्वासन दीजिए कि अगर आप हमें जीत दिलाते हो, तो हमारी तो वोट वोट आपको जाएगी जाएगी, हमारे परिवारों की वोट भी जाएगी। और एक दो परिवार नहीं है, 6 लाख परिवार है, इससे बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होगा? आपको हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर उनसे ये आश्वासन लो और बोलो कि 6 लाख परिवार है, आपके साथ खड़े रहेंगे। ये नहीं है कि हम वोट देंगे,
देखो अगर इसमें न्याय नहीं मिला, स्वाभाविक सी बात है, जो 6 लाख लड़के हैं, ये जो 6 लाख लड़के हैं, क्या आपको लगता है कि ये वोट करेंगे दोबारा? नहीं करेंगे भाई। और अपने परिवारों को भी मना लो और जाकर अखिलेश यादव से मिलो कि भाई आप हमारी आवाज उठाओ, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, हम अपनी तो अपनी, हम अपने परिवार की वोट भी आपको दिलाएंगे। क्योंकि राजनीति एक बहुत अलग चीज होती है। राजनीति में अगर राजनेता को फायदा दिखता है तो तभी वो आपके साथ आएगा। वैसे मैं अखिलेश यादव जी की मनसा पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, वो लगातार विपक्ष की भूमिका उठा रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं, पर अगर आप उनसे मिलोगे तो और भी आपको क्या नाम अच्छे से सपोर्ट करेंगे। जयंत चौधरी से मिलो जाकर और उनको आश्वासन दो कि अगर आप इस समय बच्चों का साथ देते हो, ये चीज भुला दो अब कि आपने वोट दी, 5 किलो राशन में जीवन यापन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं भाई, ये न्याय की लड़ाई है। और अगर आप हमारा साथ देते हो, आपको हम हमेशा याद रखेंगे, आजीवन याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये भविष्य की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आपके हमारे भविष्य की बात है। तो आप जितने भी लोग हो जाकर ज्यादा से ज्यादा आप विपक्ष को एक्टिव कीजिए, क्योंकि अब जो सत्ता पक्ष है भाई, मुझे उम्मीद नहीं है कि अब इसमें कुछ सत्ता पक्ष करने वाला है। अब विपक्षी इसमें आवाज उठाए तो बेहतर है, जितना ज्यादा ज्यादा विपक्षी इसमें आवाज उठाए। तो भाई इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, मैक्सिमम, ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नहीं हो, यूपीएसआई से जुड़ी हर जानकारी आपको, ऑथेंटिक जानकारी, यूपीएसआई से जुड़ी सब कुछ हमारे चैनल पर मिलेगी, सब्सक्राइब कर लेना। इन द एंड देखिए, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, ऑल इंडिया, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो टेस्ट बुक का मॉक पेपर का ऑफर चल रहा है, ये 28 से 31 मई तक चल रहा है। और इसमें 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है। मतलब पहले 12 मंथ की आपकी वैलिडिटी होती थी इसकी एक पास की, अब 6 मंथ को आपको, 6 मंथ की आपको वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है। और अगर आप SP10 कूपन कोड लगाओगे तो 10% आपको इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये आपको 31 मई तक का ऑफर है, बस 31 मई तक ये ऑफर मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक पास खरीदिए और ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम का मॉक पेपर दीजिए, और इसकी वैलिडिटी भी आपकी 1-2 दिन नहीं, 18 मंथ रहेगी। अगर आप 18 मंथ अच्छे से तैयारी करते हो और अच्छे 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 से मॉक पेपर देते रहते हो लगातार, तो आपको मैं बता रहा हूँ, इससे बाद में टेक्स्ट बुक का पास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसमें ही सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? इन द एंड जय हिंद, जय भारत।